यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, जहाँ नारी की पूजा की जाती वहां पर ईश्वर निवास करता है। और यह बात हमारे देश में सत्य होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति पर एक महिला शोभायमान हो रही है। और महिलाओं को अपना हक और सम्मान मिलना चाहिए, और महिलाओं के सम्मान की वजह से घर और देश में शांति रहेगी। ऐसी बात कही राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति श्री देवीसिंह शेखावत जी ने। प्रतिभा जी है, सोनिया जी है, इंदिरा जी थी। हम देख रहे कि आज दुनिया में और भी देशों में महिलाएं काफी प्रभावी है। नहीं, ऐसा है, जिस घर में शांति हो उसी घर का विकास होता है, वहीं लक्ष्मी भी आती है, शांति भी रहती है। महिला तो हमारे संस्कृति की बहुत बड़ी आधारभूत है, और जिस घर में महिला की प्रसन्नता नहीं हो उस घर को कोई सुगंध नहीं होता। हिंदू संस्कृति में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ महिला सुखी है, आनंदी है, प्रसन्न है और अपने कुटुंब का भार सह रही है, बड़े बड़े आनंद से, ऐसे घर में हरदम लक्ष्मी और सरस्वती प्रसन्न होती है। यही देश के भी विकास के लिए और उपलब्धियों के लिए सही माने में बड़ी अच्छी एक हमारे लिए भाग्यशाली ठहर सकते हैं। नहीं, पुरुष तो करे नहीं तो वो घर ही सुखी नहीं होगा। अकेली महिला ऐसे सुखी नहीं हो सकती, उसको वहां के पुरुष और महिला दोनों साथ रहे तो ही उपलब्धियां अच्छी होंगी और बड़ी उसके सुकून अच्छा मिलेगा। पैसा तो हर कोई कमाता है, उपलब्धि तो अपने आप आती है, पर फिर भी जब दोनों पुरुष और महिला साथ रहे तो सांसारिक गाड़ा भी ठीक चलता है और देश का भी विकास बड़े गति से होता है। बात सही भी है कि नारी की जहाँ इज्जत और सम्मान होगा, पूजा की जानी चाहिए नारी की, और हमारे देश में वो हो रहा है। सोनिया गांधी के रूप में, मुंबई की मेयर के रूप में, या देश के किसी शहर के रूप में, कि पंचायत में हो, सरपंच के रूप में, नगर सेवक के रूप में, या सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है। लेकिन अभी लड़ाई और बाकी है। देखना है महिलाओं के इस तरह का सम्मान और इस तरह की शांति देश में कितनी आ पाती है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों में जो सकारात्मक भूमिका अदा की है वो आने वाले समय में और दिखाई देगी। कैमरामैन शादाब शेख के साथ सुनील शर्मा की रिपोर्ट, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।